दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 5 स्मार्टफोन के बारे में जिसमें अंदर दोस्तों आपको 6GB रैम और 128GB तक का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इन स्मार्टफोन की प्राइस आपको देखने को मिलेगी लगभग 15,000 रुपये से भी कम। इसका मतलब दोस्तों सस्ते में आपको गेमिंग स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है, सस्ते में आपको बिना हैंग होने वाला स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है और ज़्यादा GB रैम का मतलब आपको काफ़ी अच्छी चीज़ है, यानी कि आप कुछ भी डाउनलोड करके इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं बिना अपने स्मार्टफोन को हैंग करे बिना। तो इसलिए दोस्तों आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें अगर आप सस्ते में ज़्यादा रैम वाला स्मार्टफोन लेना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करेंगे Realme के स्मार्टफोन की, जो कि दोस्तों है Realme का लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme 9i। जैसे कि दोस्तों Realme 8i के बारे में काफी तारीफ हुई है इस चैनल पे जब वो स्मार्टफोन 13,999 में, लेकिन अब 9i आ गया है तो अब इसी के बारे में बात चलेगी। स्मार्टफोन की कीमत 15,999 रुपये रखी गई है, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज की। याद रहे दोस्तों थोड़े से डिस्काउंट के साथ आप इस स्मार्टफोन को 15,000 से कम में परचेस कर सकते हैं, लेकिन 4GB वाला और भी सस्ता देखने को मिलता है उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ 6GB वाले स्मार्टफोन की। साथ ही स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी है, बैक पे 3 कैमरे दिए गए, इसमें कमाल की फोटोग्राफी भी कर लेता है ये स्मार्टफोन। फ्रंट में पंच होल डिजाइन वाली सेल्फी दी गई है, वहीं आपको इसमें 6.6 इंच की एक डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि काफी कमाल के रेजोल्यूशन के साथ आती है। जो ब्राइटनेस है वो तो कमाल ही, आपकी इस प्राइस रेंज में कमाल की डिस्प्ले प्रोवाइड कराता है हमारा Realme 9i। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले स्मार्टफोन की तरफ, जो कि दोस्तों हमारा होगा Redmi Note 10 Lite। ये स्मार्टफोन दोस्तों कमाल के डिजाइन के साथ आता है जिसमें आपको 6.67 इंच की एक डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ ही अगर इसकी कीमत की बात करें तो 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले की कीमत आपको 15,999 रुपये देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैंने आपको कहा इसमें भी वही डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है, लगभग मैं आपको बता दूं कि 15,000 से नीचे यानी कि 14,000 से नीचे तक भी चले जाएंगे आप अगर आप डिस्काउंट को यूज़ करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ कहूँगा आपको छोटा सा डिस्काउंट यूज़ करें, ज़्यादा झमेले की पड़ने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ इसमें आपको 5020mAh की बैटरी देखने को मिलती है, बैक पे क्वाड कैमरा सेटअप है जो कि समझ गए ना, वो आपको सेटअप देखने को मिलता है। डिजाइन काफ़ी अच्छा है इस स्मार्टफोन का, तो हाँ स्मार्टफोन की तरफ भी जाया जा सकता है। वाइट डिजाइन इसका काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है, उसको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने तीसरे स्मार्टफोन की तरफ, जो कि दोस्तों हमारा होगा Redmi की ही ब्रांडिंग के साथ उनका लेटेस्ट स्मार्टफोन Redmi Note 11। दोस्तों स्मार्टफोन में 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है 15,999 रुपये में। जैसे कि मैंने आपको कहा लगभग इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलता है, यानी कीमत आपकी इसकी भी 15,000 से कम हो जाएगी। साथ ही 5000mAh की बैटरी है, बैक पे क्वाड कैमरा सेटअप है, फ्रंट में पंच होल डिजाइन वाली सेल्फी देखने को मिल जाती है और सी के साथ दोस्तों स्मार्टफोन में 6.4 इंच की एक कमाल की रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों ये भी एक लेटेस्ट स्मार्टफोन है Redmi की तरफ से, कम बजट में स्मार्टफोन ले रहे हैं तो 4G वाला भी ले सकते हैं, उसके लिए एक जबरदस्त ऑफर आपको देखने को मिलता है। अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जानना है क्या है ऑफर और कैसा है वो स्मार्टफोन, कमेंट करके बताएं, आपको जल्दी जितनी जल्दी हो सकेगी आपको इस चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगी। और उसी के साथ दोस्तों अगर आप ओप्पो की ब्रांडिंग के साथ स्मार्टफोन ले रहे हैं तो हमारी लिस्ट का अगला स्मार्टफोन है ओप्पो A31। इस स्मार्टफोन की कीमत है 14,490 रुपये, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज की। बिना किसी ऑफर के आप स्मार्टफोन को 15,000 से कम में ले सकते हैं। साथ ही इसमें आपको 4230mAh की बैटरी देखने को मिलती है, बैक पे 3 कैमरे दिए गए हैं, फिर आपको कमाल की सेल्फी देखने को मिलती है और साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलती है 6.5 इंच की एक कमाल की डिस्प्ले। लेकिन दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी थोड़ी कम देखने को मिलती है, लेकिन ओप्पो की ब्रांडिंग पसंद है तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस रहेगा 6GB रैम के साथ, क्योंकि इकलौता कमाल का स्मार्टफोन है जो इस रेंज में 6GB रैम इतनी सस्ते में और अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आपको देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने आखिरी स्मार्टफोन की तरफ, जो कि दोस्तों हमारा होगा सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ, सैमसंग गैलेक्सी F22। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं 2021 की बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन की लिस्ट में भी ये रहा है ग्लोबल मार्केट की। इसके बारे में वीडियो भी हम बना चुके हैं, अगर आप चैनल पे थे तो आपको वो वीडियो भी देखने को मिली होगी। स्मार्टफोन की कीमत है 14,999 रुपये, जिसमें आपको 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। साथ ही एक बड़ी बैटरी दी गई जो कि 6000mAh की है, 6.4 इंच की एक डिस्प्ले और बैक पे क्वाड कैमरा सेटअप। स्मार्टफोन का डिजाइन आपको पसंद आने वाला है बैक में और फ्रंट में दोनों में ही, लेकिन स्मार्टफोन की जो बैटरी दी गई है वो काफ़ी बड़ी है और 6GB रैम आपको देता है सिर्फ इतनी कम में जो कि सिर्फ 14,999 रुपये। इतनी कम में सैमसंग की ब्रांडिंग वाला 6GB वाला स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है तो किसी और स्मार्टफोन की तरफ जाने में थोड़ी तो दिक्कत आपको होगी ही। दोस्तों ये है इंडियन मार्केट के सबसे सस्ते 6GB वाले स्मार्टफोन और सबसे अच्छी ब्रांडिंग के साथ। और भी कई स्मार्टफोन है लेकिन दोस्तों 6GB में अच्छी ब्रांडिंग भी होनी चाहिए, अच्छी कैमरा क्वालिटी भी होनी चाहिए, अच्छी डिस्प्ले भी होनी चाहिए और अच्छा डिजाइन भी होना चाहिए। तो इसलिए सबको चुन के एक स्मार्टफोन आपके लिए लाऊं तो मैं आपसे कहूंगा आप जा सकते हैं Redmi Note 11 की तरफ। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो एक लेटेस्ट कैटेगरी वाला स्मार्टफोन है, नया लॉन्च हुआ है Redmi Note 11, इसलिए मैं आपको कहूँगा उस स्मार्टफोन की तरफ जाना में आपका भी फायदा है। नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, नया Android 11 देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आप पुराने स्मार्टफोन की तरफ जाएँ आपको अपडेट ना मिले, मिले ना मिले कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ओप्पो के स्मार्टफोन की तरफ जाएँ फिर तो सोचते हो आप 10% ही चांस लें कि आपको वो नया एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिले। लेकिन हाँ अगर आप जाते हैं सैमसंग की तरफ तो शायद आपको जल्दी देखने को मिलता है, क्योंकि सैमसंग कंपनी
यार बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है, क्यों नहीं देगा 2021 का, तो शायद इसमें आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मैंने आपको सीधी सी बात कही कि अगर आपको जाना ही है तो Redmi Note 11 की तरफ आप जा सकते हैं, बाकी आप कोई भी एक स्मार्टफोन चुन सकते हैं, पांच ही बेस्ट हैं, चुन चुन के लाए गए हैं, लेकिन ब्रांडिंग के हिसाब से आपको जो पसंद है उसकी तरफ जाया जा सकता है। मेरी पसंद रहेगी Redmi Note 11, आपकी क्या पसंद है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।